हेलो फ्रेंड्स, भारत भूषण एडवोकेट। हम डिस्कस कर रहे हैं नया टैक्स स्ट्रक्चर जो रियल एस्टेट के लिए आया है, 1 अप्रैल से इफेक्टिव है। इसमें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जो लैंड डेवलपमेंट राइट्स लैंड ओनर प्रमोटर को देता है, क्या उस पर टैक्स है। हमने डिस्कस किया था कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज में ये इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन अभी सरकार की इंटेंशन उस पर टैक्स लगाने की है। तो वो सरकार ने जो स्ट्रक्चर बनाया है टैक्स लगाने का, वो क्या है, वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ लैंड डेवलपमेंट राइट्स पर एग्जेम्पशन दी है। जो लैंड डेवलपमेंट राइट्स 1 अप्रैल 2019 के बाद जो ट्रांसफर होंगे प्रमोटर डेवलपर्स को, उस पर एग्जेम्पशन दी है, उसके उस पोर्शन पर जिस पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनेंगे, उस पर एग्जेम्पशन दे दी है। रेजिडेंशियल पोर्शन पर कमर्शियल पर टैक्स देना है, लेकिन रेजिडेंशियल पर एग्जेम्पशन देते हुए भी एक कंडीशन है कि ये एग्जेम्पशन तभी तक है, उन्हीं फ्लैट्स के लिए है जो जिनकी बुकिंग कंप्लीशन से पहले हो जाए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले जिनकी बुकिंग हो जाएगी उन पर ये एग्जेम्पशन रहेगी। कंप्लीशन के डेट पर जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट अनबुक्ड रह जाएंगे उन पर ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इन अदर वर्ड्स, जिन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स पर आप जीएसटी कंस्ट्रक्शन का दे देंगे 5% या 1% अफोर्डेबल के केस में, तब आपको लैंड डेवलपमेंट राइट्स पर उन पर एग्जेम्पशन मिलेगी। जो अनबुक्ड रह जाएंगे उन पर आप जीएसटी देंगे नहीं, तो उस पर आपको लैंड डेवलपमेंट राइट पर जीएसटी देना होगा। 1 अप्रैल 2019 से के बाद जो लैंड डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर होंगे, जो जेडीए एग्जीक्यूट होंगी, उन पर आपको जीएसटी देना है, लेकिन रेजिडेंशियल पर एग्जेम्पशन है। कमर्शियल पर आपको टैक्स देना है, और रेजिडेंशियल पर भी उसी पोर्शन पर एग्जेम्पशन है जिसकी आप बुकिंग कंप्लीशन से पहले कर लेंगे, या दूसरे वर्ड्स में जिन पर आप जीएसटी देने वाले हैं उस केस में आपको एग्जेम्पशन है। जिस पर आप जीएसटी नहीं देने वाले हैं, जो अनबुक्ड रह जाएंगे कंप्लीशन की डेट पर, उनको आपको उन पर आपको रेजिडेंशियल के पोर्शन पर भी जीएसटी देना है। अब ये एग्जेम्पशन वर्किंग कैसे होगी, एग्जेम्पशन की जो रेजिडेंशियल के लिए एग्जेम्पशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। द अमाउंट ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशन अवेलेबल ऑन टीडीआर और एफएसआई डेवलपमेंट राइट्स और एफएसआई फॉर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर, ऐसे कैलकुलेट होगा। जीएसटी पेबल ऑन टीडीआर और एफएसआई और बोथ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट, टोटल उस पर जो जीएसटी पे बनता है टीडीआर या एफएसआई पे टोटल प्रोजेक्ट पर, मल्टीप्लाइड बाय कारपेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से और डिवाइड कर दीजिए टोटल कारपेट एरिया से, तो जो अमाउंट आएगा वो एग्जेम्प्टेड है, रेस्ट आपको देना है। वो कमर्शियल का पोर्शन आ गया, रेजिडेंशियल का प्रोपोर्शन एग्जेम्प्ट कर दिया। अब इसमें जो अनबुक्ड रह गया वो देना है, वो कैसे कैलकुलेट होगा। अब वो कहता है जीएसटी पेबल ऑन टीडीआर और एफएसआई आर बोथ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बट फॉर दिस एग्जेम्पशन, अगर ये एग्जेम्पशन नहीं होती तो रेजिडेंशियल के लिए कितना देना होता, मल्टीप्लाइड बाय कारपेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स रिमेन अनबुक्ड ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन डिवाइडेड बाय टोटल कारपेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, प्रोपोर्शनेटली निकाल लेना है। लेकिन साथ में एक वो कह दिया कि ये जो हम अनबुक्ड पर लेंगे उसकी एक अपर सीलिंग दे दी कि वो उससे ज्यादा नहीं होगा जो उस पर आपने जीएसटी देना था। मगर अगर मान लो अगर अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट अनबुक्ड रह गया तो उसकी वैल्यू का 1% ही आपको रिवर्स करना है, ना कि उसका जो डेवलपमेंट राइट के हिसाब से जो टैक्स आता है, और ये बिल्कुल एक्सीड कर सकता है। डेवलपमेंट राइट किसी भी शेड्यूल में अलग से स्पेसिफाइड नहीं है, तो डेवलपमेंट राइट का जीएसटी रेट 18% है, और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पे अफोर्डेबल के केस में 1% है और दूसरों के केस में 5% है। तो ये अनबुक्ड के केस में एक्सीड कर सकता है, मींस आपका वो अगर वो फ्लैट अनबुक भी रह जाता है तब भी आप मान के चलिए कि जितना उस पर जीएसटी बनना है वो आपको टीडीआर के टैक्स के तौर पर, डेवलपमेंट राइट के टैक्स के तौर पर आपको देना पड़ जाएगा। अगली बात, ये लायबिलिटी आएगी कब देने की, ये आएगी डेट ऑफ कंप्लीशन पर।
अब अगली बात करते हैं जो अपफ्रंट पेमेंट लॉन्ग टर्म लीज के लिए है, उस पर भी सिमिलरली रेजिडेंशियल को एग्जेंप्शन दी है, रेजिडेंशियल पोर्शन को, और कमर्शियल पर टैक्स देना है जो अपफ्रंट पेमेंट जिसमें दी जा रही है उसमें भी अनबुक्ड पे भी वही है। आपको जो एग्जेंप्शन मिलेगी वो खाली बुक्ड फ्लैट जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होंगे उस पर मिलेगी, अनबुक्ड पर फिर आपको रिवर्स करना है, और रिवर्सल पर फिर वही अपर लिमिट है कि उसके जो जीएसटी रेट है उससे ज्यादा नहीं होगा, ये भी कंप्लीशन पर आएगा। अब वैल्यूएशन कैसे होगा? ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और एफएसआई बाय ए पर्सन टू द प्रमोटर अगेंस्ट कंसीडरेशन इन फॉर्म ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल अपार्टमेंट्स शैल बी डीम्ड टू बी द इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सिमिलर अपार्टमेंट्स चार्ज बाय द प्रमोटर फ्रॉम द इंडिपेंडेंट बायर नियरेस्ट टू द डेट ऑन विच सच डेवलपमेंट राइट्स आर एफएसआई इज ट्रांसफर्ड टू द प्रमोटर। जब जेटीए टाइप साइन होता है तब प्रमोटर को डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके बाद जो फ्लैट की बुकिंग होगी वो रेट लिया जाएगा। मींस अगर 200 फ्लैट टोटल बनने हैं, 100 फ्लैट लैंड ओनर के और 100 फ्लैट डेवलपर के हैं, तो जो पहला फ्लैट बुक होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसको जो लैंड ओनर का पोर्शन है वो डेवलपमेंट राइट्स होंगे, उसका 18% आपको डेवलपमेंट राइट का जीएसटी है। अब दूसरी वैल्यूएशन आती है जो अनबुक्ड फ्लैट्स की वैल्यूएशन कैसे होगी। अब यहां पर हमने जो पहले टीडीआर के लिए वैल्यूएशन ली थी वो जिस डेट को डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर हो रहे हैं मंथ जो शुरुआत की बुकिंग है, और अब बात कर रहे हैं जो अनबुक्ड रह जाते हैं, तो इसमें वैल्यू हमने लेनी है जो कंप्लीशन के डेट पे जो रेट है, जिस रेट पे नियरेस्ट ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन जिस पर बेचा है बुक किया है उसको जो रेट है वो अनबुक्ड के वैल्यू के लिए रेट लेना है। इन एग्जांपल्स को, इन कैलकुलेशंस को डिटेल में समझने के लिए मैंने जैसे पहले बताया था एक ई बुक अपनी साइट पर अपलोड करूंगा बाई 15 अप्रैल, उस पर इनकी डिटेल्ड कैलकुलेशन रहेगी जो आपको अभी समझने भी आसानी रहेगी। और सेकंडली अभी इनकी कैलकुलेशंस में बहुत टाइम है, बहुत से कंफ्यूजन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी आदमी ने डेवलपमेंट राइट्स, जो जनरली डेवलपमेंट राइट्स में वो फ्लैट्स भी लेता है और पेमेंट भी लेता है, तो जब अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या अपर लिमिट दो बार लगाई जाएगी? मीन्स अनबुक्ड की बात कर रहा हूं मैं, अनबुक्ड पे अगर आपने कैलकुलेट करते हुए क्या वो जो फ्लैट का रेट है कंस्ट्रक्शन का रेट, क्या वो अनबुक्ड के लिए, सॉरी डेवलपमेंट राइट्स जो कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में जा रहे हैं अनबुक्ड पर उस पर अलग से होगा, और कैश में जा रहा है उस पर अलग से होगा? ये सब कुछ है नोटिफिकेशन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स है या मेरे समझने में प्रॉब्लम्स है, हम कोशिश करेंगे उस बुक में इसको कवर करने की। तो काइंडली इनकी डिटेल कैलकुलेशंस और उसको और समझने के लिए मेरी उस ई बुक को आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। रेट्स, जीएसटी रेट जो डेवलपमेंट राइट्स पर मैंने पहले भी बताया था, शेड्यूल 11 जो सर्विसेज का शेड्यूल है उसमें डेवलपमेंट राइट्स कहीं भी स्पेसिफिकली नहीं है, तो डिफॉल्ट एंट्री 35 जो है, जो रेजिडरी एंट्री है, उसके अकॉर्डिंगली 9% सेंट्रल टैक्स और 9% स्टेट टैक्स, मीन्स 18% टैक्स जीएसटी पर लगेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर स्पेरिंग योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम जेडीए के बाकी कंसेप्ट्स करेंगे। थैंक्स ए लॉट। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी लिखें। थैंक यू।